जी नाज़रीन, तो अभी आज हम मौजूद हैं महमूदाबाद नाले पे। आपको बताते चले, महमूदाबाद नाले पे टोटल 7 पुल बनने जा रहे हैं, तो आपको तफसीली जो है ना हर पुल के बारे में बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे बिस्मिल्ला चौक पे मौजूद हैं और इस पुल के आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी 7 पुल, जो टोटल 7 पुल हैं, जिनमें पहला पुल ये है बिस्मिल्ला चौक वाला, इस पे काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये पुल, इनकी जगह पहले छोटे पुल हुआ करते थे, मगर अब इन पुलों को एक्सटेंड किया गया। अब तकरीबन 25 से 30 फुट का ये पुल बनाया गया है। इसी तरह से आगे भी चलेंगे हम, बाकी पुल भी आपको दिखाएंगे और सारी डिटेल देंगे। तो बेसिकली ये महमूदाबाद का मेन एरिया है और यहाँ से जो नाले पे जो पुल का काम है वो स्टार्ट हो रहा है। पहला पुल है, इसी तरह हम आगे चलेंगे दूसरा, तीसरा, फर्दर आपको सारे पुल दिखाएंगे कि कहाँ पे काम, किस किस पे काम कितना हो चुका है। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बेसिकली महमूदाबाद नाला पे काम तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुल, ये जो बेसिकली महमूदाबाद नाला है, इसके दोनों अतराफ पे सेवरेज के लिए अलग से सिस्टम जारी है। आपको दिखा सकते हैं कैमरामैन, वो 36 इंच के डाया के पाइप जो है ना वो बिछाए जा रहे हैं और अलग से सेवरेज का सिस्टम भी साथ साथ चल रहा है। जब सेवरेज कंप्लीट हो जाएगा तो साथ उसी जगह पर फिर रोड बना दिया जाएगा, इससे इलाके वालों के लिए और आसानी पैदा हो जाएगी। जी नाज़रीन, तो अभी हम मौजूद हैं महमूदाबाद के नाला नंबर 2 पे। बेसिकली ये अवामी चौक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुल बन रहा है वो भी, इस पर भी काम चल रहा है तेज़ी से। और इंशाल्लाह जब ये पुल बन जाएंगे, आपको बताते चलें कि इससे जो पहले पुल थे उनकी जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 7 फीट या फिर 10 फीट हुआ करती थी, जबकि अब ये जो बन रहे हैं पुल, ये 25 से 30 फीट के पुल बन रहे हैं और बहुत खुले पुल बन रहे हैं। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि महमूदाबाद नाला जो है बेसिकली मॉडर्न तर्ज पे बनाया जा रहा है। यही वजह है कि एक तो इसके पुल बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, साथ साथ ये जो नाला बनाया जा रहा है इसकी दीवारें ऊपर उठाई जा रही हैं, इसमें सरिया लेंटर का बहुत ज़्यादा, बजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सरिया का यूज़ किया जा रहा है और दीवारों को इतना ऊंचा कर दिया है कि जो अक्सर केस होते थे, बच्चों के डेथ केस होते थे, वो भी अब रुक जाएंगे। और इंशाल्लाह ये पुल बन जाने से ये अतराफ़ की दोनों जो आबादियाँ हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जी नाज़रीन, तो अभी हम मौजूद हैं महमूदाबाद नाले के पुल नंबर 3 पे। आपको बताते चलें कि महमूदाबाद का ये जो पुल है, पुल नंबर 3, ये बेसिकली मंजूर बस्ती को मिलाता है आज़म बस्ती से और इस पे जो है ना काम देख सकते हैं आप, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सारे पुल कम्प्लीट हो जाएंगे। अभी भी पुल की ये कंडीशन है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पुल प्रॉपर तौर पर जो है ना यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएंगे और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। जी नाज़रीन, तो अभी हम महमूदाबाद नाले के पुल नंबर 4 पे मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये जो पुल है बेसिकली रहमान कॉलोनी को आज़म बस्ती से मिलाता है और आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, कैमरामैन आपको दिखाएं, इस पे भी काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और आपको यहाँ इस साइड पे अगर दिखाएं कैमरामैन, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा फ्लो जो है ना इस नाले का और कितना ज़्यादा जो पानी इसमें आ रहा है। और बेसिकली ये बरसाती नाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया 2020 में जब बारिशें हुई थी तो ये इलाके, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये इलाके मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे, क्योंकि तब ये, अभी आप दिखाएं अगर इधर कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये अभी ये जो सरिये लगाए गए हैं इसके ऊपर अभी दीवार बननी है, तो पहले ये दीवार नहीं, यहाँ तक ही हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा गंद था और ओवरफ्लो होते थे और सारा पानी बारिशों का, एक तो इलाके वाला पानी, दूसरा इस नाले का पानी भी इन बस्तियों में चला जाता था, जिसकी वजह से बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर डूब जाती थी। अच्छा, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि पहले ये जो नाले थे बेसिकली जब भी बारिश होती थी तो अक्सर ओवरफ्लो होने की इनकी मेन वजह ये भी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये बेसिकली नीचे इसके पानी ही बह रहा है, लेकिन इतना कूड़ा इतना गंद डाला गया है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे नीचे पानी है ही नहीं। जबकि आप यही देखें, थोड़ा सा आगे दिखाएं कैमरामैन, ये देखें बेसिकली यही पानी बह रहा है, लेकिन अगर इस चीज़ को देखें इतना कचरा डाला गया है कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे नीचे पानी है। और यही वजह है कि अक्सर बच्चे जो है ना खेलते हुए उन्हें पता नहीं चलता कि ये पानी बह रहा है, तो इस वजह से भी काफ़ी बच्चे इसमें ट्रैप हो जाया करते थे। जी नाज़रीन, तो अभी हम महमूदाबाद नाले के पुल नंबर 5 पे मौजूद हैं, और आपको बताते चलें ये पुल बेसिकली जुनेजो टाउन को मिलाता है आज़म बस्ती से। और अगर काम की बात बताएं आपको, तो पुल रखा जा चुका है, इसकी एक साइड की दीवार कंप्लीट हो चुकी है, जबकि दूसरी साइड में आप देखें लेंटर डल चुका है, बाकी उसमें कंक्रीट वगैरह डलना बाकी है। लेकिन ये लोगों के लिए खुला है, अभी भी आम तरफ जारी है। आप देख सकते हैं कि ये आवाम के लिए खोल दिया गया है, इससे ऑपरेशनल कर दिया गया, लेकिन यह कि साइडों पे काम अभी चल रहा है। इसके अलावा नाले की भी अगर बात की जाए, यहाँ पे अभी इसकी दीवारें बनना रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो अभी हम महमूदाबाद नाले के जिस पुल पे मौजूद हैं, आपको बताते चलें ये इसके आगे सामने आपको चल के दिखाएंगे क्यूमाबाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आखिरी पुल है इस नाले का, महमूदाबाद नाले का, जो अभी बन रहे हैं। तो आपको बताते चलें ये पुल बेसिकली डिफेंस व्यू को कनेक्ट करता है कश्मीर कॉलोनी से। तो इस पे काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं पुल फाल हो चुका है, लोगों के आम तरफ शुरू है, तो बस थोड़ा सा ये हिस्सा रह गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाएगा, मगर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुला है और ट्रैफिक रवान दवा है। जी नाज़रीन, तो अभी महमूदाबाद नाला ये एंड पॉइंट है, बेसिकली नाला यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, लेकिन जो काम चल रहा है इस नाले पे, तो आपको हमने पहले पॉइंट से दिखाया और एंड तक ये सामने आपको ये पुल दिखा है, ये बेसिकली इसके बाद क्यूमाबाद आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक जो है ना अभी इस पर काम हो चुका है, जो रास्ते में पुल आ रहे हैं उन पर भी काम चल रहा है, और यहाँ तक काम हो चुका है। ये जब काम पीछे वाले पुल कम्प्लीट हो जाएंगे, इसकी दीवारें कम्प्लीट हो जाएंगी, ये सफाई का काम कम्प्लीट हो जाएगा और साथ साथ सेवरेज कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इसके बाद फर्दर जो है वो फिर क्यूमाबाद से आगे इस नाले को लेके चलेंगे, और एंड में ये नाला जो है बेसिकली समंदर में जाके गिरता है।